कम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने पोको डिवाइस में किस तरह से लेने जो N16 का लेटेस्ट वर्जन, जिसमें फेस अनलॉक का जो बग इसमें फिक्स किया गया है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और उसका एक क्विक रिव्यू। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रोम को फ्लैश करने में हमको 3 या 4 फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमको रोम फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जी एप्स, उसके बाद जो फ्रीमवेयर फाइल है, उसके बाद जो मेगासिक मैनेजर, उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सब कुछ फाइल आप डाउनलोड करके अपने SD कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में रख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपने मोबाइल को TWRP रिकवरी मोड में बूट कीजिए। तो आप इधर देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस इधर TWRP में बूट हो गया है। तो उसके बाद हमको सिंपली वाइप में जाना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस वाइप, उसके बाद हमको इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा डेल्विक केज डाटा और सिस्टम। बस इतना ही हमको सिलेक्ट करके इधर स्वाइप टू वाइप कर देने का है। और इतना सब कुछ करने के बाद सिंपली हमको फिर होम में जाना पड़ेगा, उसके बाद हमको इंस्टॉल में क्लिक करना पड़ेगा और जो फ्रीमवेयर फाइल है एंड्रॉइड पाई का, उसको सबसे पहले फ्लैश करना पड़ेगा। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो आप इधर देख सकते हैं वेरिलियम 8.11.27 का जो फ्रीमवेयर फाइल है, उसको सबसे पहले इधर सिलेक्ट कर देने का और स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिएगा। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप अपना जो फ्रीमवेयर फाइल है, उसको हम सक्सेसफुली इधर फ्लैश कर दिए हैं। उसके बाद सिंपली हमको जो रोम फाइल है उसको फ्लैश करना पड़ेगा, रोम फाइल लीने जो N16 का, तो उसको भी हम सिंपली स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिएगा। तो आप इधर देख सकते हैं इधर जो रोम फाइल है इधर सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। रोम फाइल फ्लैश करने के बाद हमको सिंपली जी एप्स को फ्लैश करना पड़ेगा। तो जी एप्स डाउनलोड करते थे, एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपका जो जी एप्स का जो पैकेज है वो नानो से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो फेस अनलॉक का जो सिस्टम है वो माइक्रो या नानो से ज्यादा के पैकेज में वर्क करता है। तो आप पिको को डाउनलोड मत कीजिएगा। तो इस हिसाब से हमको इधर नानो या माइक्रो का जिप को इधर फ्लैश करना है। तो मैं इधर माइक्रो का जिप डाउनलोड कर दिया हूं, तो इसको मैं स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देता हूं और मैं इधर डायरेक्टली जी एप्स को इधर फ्लैश कर दिया हूं। तो आप इधर देख सकते हैं कि हम इधर जी एप्स इधर सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। तो सिंपली हमको नेक्स्ट स्टेप में अपने सिस्टम को रिबूट टू रिकवरी कर देना है। तो फिर से अपना जो सिस्टम है अगेन रिकवरी में आ जाएगा। और जो लास्ट स्टेप में हम इधर हमको मेगासिक मैनेजर को फ्लैश करना पड़ेगा। तो सिंपली इंस्टॉल में जाइए और नो वेरिफिकेशन जिप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो डिसेबल फॉर एनक्रिप्शन, तो इसको हम फ्लैश कर देंगे। तो आप इधर देख सकते हैं कि हम इधर सब कुछ फाइल इधर सक्सेसफुली फ्लैश कर दिए हैं। और जो लास्ट टाइम में हमको अपना जो सिस्टम को है जो रिबूट कर देना है, तो पहला रिबूट में ऑलमोस्ट 2 to 5 मिनट्स लग सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा और मैं आपको मिलूंगा जब ये सक्सेसफुली बूट हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं फाइनली जो लीनियर जो रोम है इधर सक्सेसफुली बूट हो गया है। और ये आप देख सकते हैं जो एम्बिएंट डिस्प्ले इधर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो सिंपली हम इस रोम को अभी अलग कर देते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं ये रहा लीनियर जो इसका यूजर इंटरफेस और ये रहा इसका स्टेटस बार। तो मैं सिंपली अबाउट डिवाइस सेक्शन में जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं इधर एंड्रॉइड वर्जन पाई का सपोर्ट मिल जाता है और आप इधर देख सकते हैं लीनियर जो 16:27 बिल्ड। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं जो IR फेस अनलॉक किस तरह से वर्क करता है। तो IR फेस अनलॉक को वर्क करने के लिए सिंपली हमको सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा और उसके बाद इधर जो आप देख सकते हैं स्मार्ट लॉक, इसको इधर क्लिक कर देना गया है और जो पैटर्न लॉक दिए हैं उसको अनलॉक करके इधर आप देख सकते हैं ट्रस्टेड फेस, इसको हमको ऐड कर देना है। तो मैं पहले से ही इसमें फेस अनलॉक ऐड किया हूं, तो आप इस तरह से अपना फेस लॉक इधर ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने डिवाइस को फेस से अनलॉक करके दिखाता हूं। तो डिवाइस ऑन, तो आप इधर देख सकते हैं कि जो फोन है बहुत जल्दी तरह से अपने फेस को रिकॉग्नाइज कर दे रहा है और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जा रहा है। तो इस रोम को अभी हम डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं, इस रोम में कुछ भी बग्स देखा नहीं गया है। और एक नया फीचर इस रोम में देखा गया है कि जिसे हम अपनी जो होम स्क्रीन होम की को इधर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमको एक 100 मोड मिल जाता है। तो एक ही हाथ से हम अपने फोन को जस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह से। आप इधर देख सकते हैं 100 मोड, ये बहुत एक अच्छा मोड है। आप
वन हैंडेडली अपने डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं मैं एक ही हाथ से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकता हूँ, और इसके साइज को भी आप इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से। और ब्लैंक में क्लिक करते हैं आपका जो डिवाइस है वो फिर भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो मैं अभी एंटीटू मेज मार आपको दिखा देता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं एंटीटू बेंच मार्क। तो आप इधर देख सकते हैं हमको इधर ऑलमोस्ट इतना बेंच मार्क मिला है। आप अपने खुद के डिवाइस में भी यूज करके आपका बेंच मार्क चेक कर सकते हैं कि आपका बेंच मार्क कितना आ रहा है। तो ये रहा एक क्विक लिटिल रिव्यू ऑफ दिस रोम, और इस रोम का सारे डाउनलोड लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी इश्यूज मिलता है इस रोम के रिगार्डिंग्स। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, पीस।